आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, गोल सेटिंग। और ये बात मुझे तब तक समझ में नहीं आती थी जब तक मैं एक इंसान से नहीं मिला था। एक मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था जो बहुत अमीर था, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा। ऐसा नहीं है कि मैं हार्ड वर्क नहीं करता, मैं सब कुछ करता हूँ। तो एक दिन मुझसे उसने कहा कि तुम मुझे अपने गोल बताओ कि तुम्हारे गोल क्या हैं। तो मैंने कहा मेरे पास तो अभी कोई गोल नहीं है। यार तुम्हारे घर में कोई लिस्ट हो गोल की? तो मैंने कहा नहीं, घर पे भी नहीं है। उसने कहा तेरी गाड़ी में होगा? मैंने कहा नहीं, गाड़ी में भी नहीं है। तो फिर उसने कहा अगर तेरे पास लिस्ट ऑफ गोल नहीं है तो उसने कहा आई कैन मैनेज, आई कैन जज यू, योर बैंक बैलेंस इज बिलो 5 लैक्स। और वो सही भी था। मैंने उससे बोला क्या मैं अगर गोल का लिस्ट बनाऊंगा तो क्या मेरी लाइफ चेंज हो जाएगा? उसने कहा पक्का, क्यों नहीं, पक्का चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। लिस्ट बनाओ और उस पर पूरी मेहनत करो, फुल मेहनत। मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। आप एक रेलवे स्टेशन में गए और आपने बोला उसे कि मुझे टिकट दे दो। उसने बोला कहाँ की टिकट? आपने बोला कहीं की भी, तो वो कहीं की भी नहीं देता और आप कहीं पहुंचते भी नहीं हैं। अगर आप 100 गज का भी मकान बनाते हैं तो आप 2 महीने पहले ही डिसाइड करते हैं कि मेरा बेडरूम कहाँ होगा, वॉशरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, एक्सेट्रा। मकान तो लाइफ के सामने एक छोटा सा चीज़ है, उसमें आप इतना सेट करते हो और आपकी लाइफ की डिज़ाइनिंग मकान से बहुत बड़ी है, इम्पॉर्टेंट है। डोंट वर्क एट ऑल। इसलिए 95% लोगों के मकान आड़े टेढ़े तिरछे ही बनते हैं। घर का भी ऐसे ही बनेगा विदाउट आर्किटेक्ट। तो दोस्तों, गोल सेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसने मुझे ये सब बातें समझाना शुरू किया, वाकई में मेरी लाइफ चेंज हो गई। सोशली, इकोनॉमिकली, एक एक चीज़ समझा। मैं एक स्टूडेंट की तरह सब सीखता रहा, समझता रहा। आपने सुना होगा, कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया का फुटबॉल का मैच हुआ तो एक कोच ने बहुत मोटिवेट किया, 70 मिनट हैं, ये कर दो, वो कर दो, आग लगा दो, इतनी तेज के फुटबॉल मारोगे छाती पार करके निकल जाए, किसी से हार जाओ, पाकिस्तान से मत हारो। ऐसे मोटिवेट किया, ऐसे भर के मोटिवेट किया, उसको ऐसा लगा कि 100-0 से जीत जाएंगे आज। वहाँ पाकिस्तान का कोच भी सेम टू सेम, किसी से हार जाओ, हिंदुस्तानियों से नहीं हारना, आग लगा दो, 0-100 से हराएंगे। 90 मिनट का मैच हुआ, दोनों टीमें वापस आई, देखा 0-0 दोनों का स्कोर, बोला नाटक क्या पता करो, जहाँ ये मैच खेला जा रहा था वहाँ गोल पोस्ट ही नहीं था, कहाँ गोल करते? योर लाइफ इज ग्राउंड, कहाँ मारोगे गोल? बस खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलते 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 50 साल निकल गए, 60 साल निकल गए। अब जो निकल गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बचा हुआ है उसे बेटर किया जा सकता है। आज ये आपके हाथ में है, गोटिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने